नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर, जहां फिरोजाबाद में प्राचीन मंदिर राज राजेश्वरी केला देवी मंदिर में आज चैत्र नवरात्र के पहले दिन भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। कहा जाता है प्राचीन मंदिर राज राजेश्वरी केला देवी में जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, जिसकी वजह से यहाँ चैत्र के नवरात्रों में लोगों की अपार भीड़ उमड़ती है। बता दें कि फिरोजाबाद के जिला अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन भी अब पूरी तरीके से मुस्तैद है। अनेक दूर दूर से गांव-गांव से यात्री आता है, यहाँ पंजे के केला मैया के श्री चरणों में हाजी लगाने आता है। और आज से चैत के नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और हिंदू धर्म में आज से नव संवत्सर भी चालू हो रहा है। तो हमारे केला मैया के प्रांगण में अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पूरी व्यवस्था प्रशासन की व्यवस्था है, अनेक प्रकार की सब व्यवस्थाएं हैं। दर्शनार्थियों के लिए कोई भी समस्या की परेशानी नहीं है। अनेक गाँव-गाँव से दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने मैया के दादाजी के दर्शन करने आते हैं। खबर चंदौली से है, जहां मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश की पहली अल्ट्रा मॉडल फिश मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर संजय निषाद का जोरदार स्वागत किया। वहीं रामचरितमानस के सवाल पर डॉक्टर संजय निषाद ने बयान देते हुए कहा कि हमारी सरकार भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे, इसलिए हम रामचरितमानस का पाठ करा रहे हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की जनता ने जिसे नकार दिया हो 2014 से 2017 2019 2022 लगातार 2024 वैसे ही खत्म है, निश्चित रूप से इधर पर है तो वहाँ भी क्या है क्या नहीं है और उसका जवाब भी दे सकते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने एक कटाक्ष किया 2 साल के लड़ते हुए, कहे हैं कि डबल इंजन की सरकार लड़ रही है, घर का झगड़ा रोड पर आ गया, इस पर क्या है? उनका झगड़ा क्या उनके घर का, सबसे बड़ा घर तो हमारा भारतीय जनता। खबर श्रावस्ती से है, जहां AIMIM के नेता आसिया बेगम ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बता दें कि AIMIM नेता आसिया बेगम 2022 में भिनगा विधानसभा से उम्मीदवार थी और उनको कांग्रेस पार्टी के सदस्यता जिलाध्यक्ष नसीम चौधरी ने दिलवाई थी। खबर औरैया से है, जहां मुस्लिम संविदा के लोगों ने पवित्र महीने रमजान का महीने को लेकर मस्जिदों में तैयारियां पूरी की है। वही मस्जिद के इमाम अल्तमश चिश्ती ने जानकारी देते हुए बताया कि माहे रमजान का महीना बड़ा बरकतों का महीना है, इस महीने में लोग ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की मदद करें। और बताया कि अगर चांद आज दिखता है तो तरावी शरीफ की शुरुआत आज से हो जाएगी, नहीं तो कल से तरावी शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर मस्जिदों में अब तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। मुबारक के महीने का आगाज हुआ है या नहीं, क्योंकि रमजान मुबारक के महीने का आगाज चांद के देखने पर हुआ करता है, तो अगर आज चांद दिख जाता है तो कल से ही रमजान मुबारक के मुबारक महीने का आगाज हो जाएगा, वरना फिर कल से तरावी होगी और जुमे के रोज़ से पहला रोज़ा माना जाएगा। और रमज़ान मुबारक का महीना बड़े ही बरकत और रहमत वाला महीना है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रहमतों के दरवाज़े खोल देता है, उनकी नेकियों में इजाफा कर देता है, उनके रिज़्क। खबर लखनऊ से है, जहां ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार वर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मार्च 2022 से अब तक कोई सांप्रदायिक घटना नहीं हुई है और हमारी पुलिस रिस्पांस व्हीकल के समय को कम किया गया है। आने वाले समय में रिस्पांस व्हीकल को फेज वाइज बनाया जाएगा और साथ ही कहा कि कोरोना काल में भी प्रदेश में कोई घटना नहीं होने दी गई है और त्योहारों के समय में भी बेहतर व्यवस्था की गई है। प्रत्येक थानों में महिला हेल्प डेस्क का भी गठन किया गया है, जहां 2400 घंटे महिलाओं से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसकी सुनवाई होती है और उस डेस्क पे महिला कर्मी ही नियुक्त रहती है। उस दौरान पीड़िता के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो, इसके लिए CCTV कवरेज भी उस महिला हेल्प डेस्क के कक्ष में कराया जाता है, ताकि सुपरवाइजरी अधिकारी उसको लगातार मॉनिटर करें।
सरकार के द्वारा महिलाओं के सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के लिए अक्टूबर 2020 से मिशन शक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है। इसकी कड़ी में इसी कड़ी को बढ़ाते हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता को चिन्हित करते हुए यूथ 20 परामर्श के प्रचार कार्यक्रमों के तहत किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वह प्रतियोगिता का विषय बाल विवाह, बाल श्रम और महिला सशक्तिकरण था। प्रत्येक टीम में लगभग 15 प्रतिभागियों वाली 4 टीमों ने इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा दिखाई। वही कार्यक्रम में डॉक्टर SN कुरील, प्रोफेसर डॉक्टर अनिल परिहार और डॉक्टर सौम्या सिंह ने MBBS से डिंडरी की टीम को सर्वश्रेष्ठ और पैरामेडिकल साइंसेस की टीम को दूसरा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। 150 बच्चे मानसिक स्वास्थ्य और खेलों और जो सामान्य वेलबींग है उसके प्रतियोगिताओं के माध्यम से आ रहे हैं। उन 150 बच्चों का प्लस इसके साथ साथ जो और सहभागिता करेंगे अभी आपको कुलपति साहब बताएंगे, तो उनका एक कार्यक्रम 24 तारीख को यहाँ पे KGMU को दिया गया है। भारत सरकार ने ही KGMU को चयनित करके आपको चिन्हित करके किया है और KGMU जो है वो इस क्षेत्र का बहुत मशहूर और बड़ा एक कॉम्पिटेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो इनको ये दिया गया है। तो ये एक ग्रुप होगा, 23 तारीख को हम एक आइस ब्रेकर इवेंट कर रहे हैं शाम के समय, जब हम एक दूसरे सब बच्चे एक दूसरे साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे हम उनसे, एटलीस्ट जिससे कि उनको वो हेजिटेशन नहीं होगी बातचीत करने की, अपनी क्या प्रॉब्लम्स हैं और इंटरेक्टिव होगा। तो पहली बात, बधाइयों में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक नाती ने मासूम सी कहासुनी में अपनी दादी की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वही मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और किसके लिए हम मुलाकात के लिए गई, वहाँ पर्ची लगती है, जब पर्ची वाले ने जाके तुम पर कोरोना की रिपोर्ट है जो वैक्सीन लगी है तुम्हारी, तो हमने ना पर्ची तो है नहीं, तो कोई मुलाकात नहीं हुई। तो वो कोरोना की रिपोर्ट लेने गई अपने घर, अपने घर लेने गई, फिर वहाँ जे अपने घर पहुंची तो यहाँ से निकाल नहीं होंगी लड़का गम में, तो इनको वो नाती आएगा तो बहाने जा कही क्यों रो रही है, तो कोई मर गो, तो वो बोले मरने को और कौन बस। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा हमारा आंगन हमारे बच्चे नामक कार्यक्रम का आयोजन कराया, जिसमें MLC शैलेंद्र प्रताप सिंह मुख्य अतिथि रहे। वही बता दें कि इस कार्यक्रम में कई विभागों ने हिस्सा लिया, जिसमें कई स्कूल के बच्चे और उनके अभिभावक और अध्यापक भी सम्मिलित रहे। विभाग जैसे ICDS विभाग, प्रोबेशन विभाग भी वहाँ मौजूद था, जिसमें बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और अभिभावक, टीचर्स और बच्चे भी सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य था कि जो शासन द्वारा, भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं बाल बच्चों के लिए संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं के बारे में बच्चों को बताना, उनके पेरेंट्स को बताना और टीचर्स को अवगत कराना, वह जो भी हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा नए मॉड्यूल्स लॉन्च हुए हैं समेकित शिक्षा के और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए जो मॉड्यूल्स लॉन्च हुए हैं, इसी में 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया जो बच्चों के लिए वह उनकी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए स्कूल में उपयोग में लेके आई जाएंगी। हम स्कूल रेडीनेस का कार्यक्रम चला रहे हैं, शिक्षक और नोडल शिक्षक ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमारा स्कूल बच्चों को बिल्कुल घर जैसा महसूस हो। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा और किस तरीके कार्यक्रम रहे, बाहर तमाम तरीके चार्ट पेंटिंग लगे थे, उसके बारे में क्या कहना है?
जो ये टीएलएम लगा हुआ है ये मुख्य रूप से जो छोटे बच्चे हैं आंगनबाड़ी में जो 3 साल बच्चे पढ़ेंगे, प्री प्राइमरी 1, प्री प्राइमरी 2, प्री प्राइमरी 3 और कक्षा 1 और 2 को बच्चों के लिए टीएलएम बनाया गया है, जिससे बच्चे खेल खेल में टीएलएम के माध्यम से करके देख के कहानी सुन के कुछ जो है मॉडल चला के विधिवत ढंग से सीख सके। तो ये टीएलएम का जो प्रदर्शन है हमारी आंगनबाड़ी बहनें और हमारे शिक्षकों ने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यक्रम के तहत जो बनाया था उसका आज यहाँ पे प्रदर्शन किया और जिसका अवलोकन हमारे सभी अतिथियों जिसमें सीडीओ सर ने, हमारे एमएलसी सर ने और जो भी हमारे अतिथिगण थे उन्होंने उसको देखा और बड़ी उसकी सराहा। खबर बुलंदशहर से है जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वही इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वही सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। ये गांव सारसोल से ये यहाँ रहे बुलंदशहर आरटी ऑफिस। अच्छा, तो कहाँ पर चलाने ये आरटी ऑफिस लाइसेंस के लिए आ रहे। तो कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? किसकी मौत हो गई है? कैफ की। और घायल कौन है? जुनेद। एक की मौत हो गई, एक घायल है। हाँ, वो कैलाश को रेफर कर दिया यहाँ। समर में दबंग भूमाफिया द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर ग्राम प्रधान के मिले भगत से मकान का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से की, लेकिन ग्राम प्रधान ने कहा कि इसमें मैं कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, ये लेखपाल का मामला है। उसके बाद ग्रामीणों ने अवैध निर्माण का विरोध करते हुए मीडिया का सहारा लिया और मीडिया कर्मी को जानकारी देकर ग्रामीणों ने न्याय की मांग की है। कौन नहीं छोड़ रहा फिर? चंद्रपाल जी साहब, जी क्या कह रहे हैं? कैसा हमने छोड़े, यहाँ से हमारे वहाँ बनाएंगे। अच्छा, तो प्रधान जी से शिकायत करी आपने? प्रधान जी थोड़े जावे हैं। कौन है प्रधान जी? सतपाल। क्या नाम है प्रधान जी का? सतपाल। सतपाल हर तले के ही हैं रहने वाले? हाँ, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया आपने कहा तो? उनके भैया, उनके भैया आवे हैं बाबा जी राजू। अच्छा, वो क्या कहते हैं? पूरी जानकारी ये रास्ता पुरानी दादी परदादे की है, इतना छोड़ना चाहिए इन्हें, जितनी इनकी है वो ले लें अपनी। कौन बना रहा रास्ते में आपको? चंद्रपाल। तो ये रास्ता है क्या? ये रास्ते नहीं है, सारा रास्ते में बना रहा है। तो आपने प्रधान जी से शिकायत करी? हाँ करी। क्या कहा प्रधान जी ने? क्या वो हटा लेंगे रास्ता, नहीं हटाई और बना लेंगे, मतलब रास्ता। भारतीय नववर्ष के मौके पर हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री और प्रभारी विमल द्विवेदी के नेतृत्व में सैकड़ों मंच के पदाधिकारियों ने गांधीनगर तिराहे से लेकर बड़े हनुमान मंदिर और मुख्य बाजार तक आमजन व्यापारियों से मिलकर उनको हिंदू नववर्ष की बधाई दी। वह बुजुर्ग को आशीर्वाद भी लिया, साथ ही उन्होंने लोगों में टीका लगाकर गले में अंग वस्त्र पहनाकर रामचरित मानस भेंट की है। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज भारतीय नववर्ष और प्रथम नवरात्रि के दिवस पर हिंदू जागरण मंच द्वारा गांधीनगर तिराहे से लेकर मुख्य मार्ग छोटा चौराहा बड़ा चौराहा से लेकर सभी व्यापारियों और आम जनमानस में मस्तक पर चंदन व राम नाम का पटका पहनाकर व भगवा ध्वज एवं रामचरितमानस भेंट कर उन्हें नव संवत्सर की बधाई दी गई है। मैं आप सबके माध्यम से उन्हें नए वर्ष हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और अपने नई पीढ़ी से ये अपील करता हूँ कि जो अपनी परंपरा भारतीय संस्कृति है। खबर फरीदाबाद से है जहां गुप्त सूचना के आधार पर पलवल के गांव दिघोट और रुंधी में अवैध रूप से चल रहे 2 ट्यूबवेल की जानकारी मिली, जहां चेकिंग के दौरान ट्यूबवेल अवैध रूप से लगे पाए गए। वही चेकिंग के दौरान बिजली विभाग द्वारा रिकॉर्ड भी चेक किए गए, लेकिन चेकिंग किए गए ट्यूबवेलों का कोई रिकॉर्ड बिजली विभाग में नहीं मिला। बिना एस्टिमेट कॉस्ट जमा कराए सरकारी सामान जैसे खंभे, तार और ट्रांसफार्मर आदि का उपयोग करते हुए अवैध बिजली कनेक्शन लगे मिले। वहीं इस मामले की पूछताछ में ये पता लगा है कि इन कनेक्शन को लगवाने के लिए ठेकेदार द्वारा 2.5 लाख रुपए किसानों से लिए गए थे। वहीं बता दें कि सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें से दिघोट गांव में 1 और रुंधी गांव में 2 ऐसे
कनेक्शन बिजली के जो पकड़े हैं वहाँ बिजली विभाग की सहायता से ही, जिसका ना कोई कनेक्शन है ना कुछ है, और वहाँ पे पोल्स और ट्रांसफार्मर्स और सारी व्यवस्था की हुई है। तो ये प्रथम दृष्टया जो सूचना गुप्त जो इन्होंने मौखिक रूप से बताई है वो कि जो ठेकेदार है उसको 2.5 लाख रुपये दिए थे कनेक्शन करवाने के, अब वो उसने जमा करे या नहीं करे इनको पता नहीं है। तो इसमें जो गाजियाबाद के डासना के शिव शक्ति धाम मंदिर में एक एनआरआई महिला द्वारा 19 तोले का सोने का मुकुट भगवान शिव को अर्पित किया गया। मिली जानकारी के अनुसार महिला ने एक साल पहले मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया था। वहीं बता दें कि महिला यूएस की रहने वाली बताई जा रही है और पेशे से एक डॉक्टर है। वहीं बताया जा रहा है कि महिला ने भगवान शिव से मनोकामना मांगी थी जो कि पूरी होने के बाद महिला ने भगवान शिव को 19 तोले का मुकुट अर्पित किया। और किस तरीके से उन्होंने ये मुकुट अर्पित किया बताया जा रहा है, वो धर्म परिवर्तन के बाद सनातन में आस्था जमने के बाद उन्होंने ये दान किया है। देखिए, उनकी माँ ने और महादेव ने कोई मनोकामना पूरी की, उसके बाद उन्होंने यहाँ सोने का एक मुकुट और सोने का श्रृंगार पारदेश्वर महादेव को समर्पित किया है। ये मेरी बहन गुजरात की रहने वाली है और अमेरिका की बहुत ही बड़ी डॉक्टर है, अमेरिका में उनका अपने काम में बहुत बड़ा नाम है और बहुत अच्छी समझदार महिला है। उन्होंने हमारी बातें सुनी थी, हमारी बातें सुनने के बाद उन्होंने किताबों का अध्ययन करके ये पाया कि हम जो बोलते हैं बिल्कुल सत्य बोलते हैं, और उन्होंने जब हमारे धर्म ग्रंथों का सनातन के धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया तो उनकी आस्था महादेव में। यूपी के हमीरपुर जिले में विश्व जल दिवस का धूमधाम से आयोजन किया गया। वह इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की तरफ से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें स्कूली बच्चों ने रंगोली बनाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। वही गोष्ठी में वक्ताओं ने अपने विचार रखकर योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक भी किया है। द्वारा कैसे जल को संरक्षित किया जाए इस विषय की प्रदर्शनी लगाई गई है और जागरूकता के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए भी यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं जो कि जल के संचयन के लिए, जल के संरक्षण के लिए विभिन्न विभिन्न जगहों पर काम कर रहे हैं। तो उसी संबंध में आज ये प्रदर्शनी यहाँ लगी है। हम सब लोग, हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष बिस्कोसर गुप्ता जी और जिले के प्रशासनिक लोग सभी यहाँ पर इकट्ठा होकर के जल संचयन के जागरूकता के लिए कैसे आगे बढ़ावा दें इसके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। खबर हरदोई के बिलग्राम इलाके से है जहां महिलाओं से मारपीट का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें दबंगों ने लाठी डंडों से लैस होकर एक परिवार पर जमकर हमला बोला जिसमें पति पत्नी और देवरानी समेत 3 लोग घायल हो गए। बता दें कि पुलिस को मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और अब पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। क्या मामला है, क्या कार्रवाई की? ये बिलग्राम में पवियानी गाँव है, ये वहाँ पे मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें महिला को भी चोट आई है, उसकी देवरानी को भी चोट है, पति को भी है। महिला की तरफ से FIR पंजीकृत किया गया है, आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। वहीं पाली कस्बे में दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और चोरों ने देर रात बंद दुकान को अपना निशाना बनाया और सामान लेकर फरार भी हो गए। वहीं चोरी की घटना पास की दुकान में लगे CCTV में कैद हो गए जिसके बाद पुलिस ने जांच कर चोरी के माल समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पाली में एक CCTV फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें एक चोरी की घटना है। इसमें ये जानकारी में आया है कि कुछ सामान सिलेंडर वगैरह चोरी गए हैं। इसमें सूत्र हाथ लगे हैं जिनकी पहचान हो गई है और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके माल बरामद किया जाएगा और अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। हरदोई के शाहबाद कस्बे में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उनको पुलिस का जरा भी भय नहीं है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसने शाहबाद पुलिसिंग की पोल खोलकर रख दी है। बता दें कि 20 सालों से काबिज दुकानदार की दुकान पर दबंगों ने कब्जा कर लिया जिसके बाद पीड़ित उसे कब्जा मुक्त कराने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहा है। वह इस मामले में पीड़ित ने SP से जांच कराकर दुकान को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। बता दें कि SP राजेश त्रिवेदी ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं पीड़ित ने कहा है कि अगर उसकी दुकान कब्जा मुक्त नहीं होती है तो वो मामले की मुख्यमंत्री से शिकायत भी करेगा।
तो वहाँ भाई बैठते थे। अच्छा, उनको फालिस अटैक कर गई तो हम इलाज के लिए हरिद्वार चले गए। इलाज वहाँ कराया उनका, लौट के जब आए यहाँ तो दुकान के ताले तोड़ दिए और उसको बेच दी दूसरे के हाथ में। कहाँ शिकायत की और क्या आपको आश्वासन मिला? शिकायत अभी वहाँ भी SDM साहब को भी एप्लीकेशन दी है, थाने में दी शाहबाद में, और सामान वामान जो था उसमें वो भी सब गायब है। कोई कार्रवाई हुई नहीं? कार्रवाई अभी तो कुछ हुई नहीं, ना कोई सुनवाई हुई साहब। क्या नाम है आपका? राम निवास। कासगंज के कस्बा गंज डुडवारा में जैन पाइप स्टोर के 3 प्रतिष्ठानों पर GST टीम की छापेमारी कार्रवाई लगातार जारी है और GST टीम के आने से शहर में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करके भाग रहे हैं। वही खरीद और बिक्री के कागजों और सामान की जांच भी लगातार चल रही है। बता दें कि GST विभाग की कार्रवाई SIP की फील्ड यूनिट ने की है। आज जो गंजनवाड़ा में जो छापेमार कार्रवाई की जा रही है, किस संबंध में क्या है? कुछ शिकायतें मिल रही थी इस प्रतिष्ठान की, इनके 3 प्रतिष्ठानों पे आज उन शिकायतों के रेफरेंस में जो जांच की गई, इनका जो डेटा था GST पोर्टल पे उसके एनालिसिस की गई, उस एनालिसिस में जो कमियां पाई गई उसके बाद जाँच किया जाना उपयुक्त पाया गया, तो वो इनके 3 प्रतिष्ठानों पर जाँच चल रही है। गंजनवाड़ा में कितनी जगह कार्रवाई? 3 जगह। जांच कर किस किस चीज़ की जांच हो रही है? इनका जो सामान है, इनके जो कागज़ हैं, जो खरीद बिक्री के कागज वहाँ पे मिलेंगे, उनकी जांच हो रही है। अभी तक जांच में कुछ निकल कर आया है? जांच पहले प्रक्रिया पूरी होने दीजिए, फिर बताएंगे। केवल इसी फर्म पर की गई है क्या और अन्य फर्मों पर की गई है? नहीं नहीं, इसी फर्म के 3 जगहों पर की। ठीक है मैडम, ओके। खबर प्रयागराज से है, जहां संवाददाता नंदलाल गुप्ता प्रयागराज जनपद हंडिया PG कॉलेज में महिला सशक्तिकरण रैली को जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर BK सिंह ने संबोधित किया। संबोधन में कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। बता दें ये रैली मिर्जापुर से चलकर गौतम बुद्ध नगर तक जाएगी। वही रैली के दौरान तहसीलदार आकांक्षा मिश्रा हंडिया ने सभी महिला पुलिसकर्मी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर ACP हंडिया सुधीर कुमार कुतवाल, धर्मेंद्र कुमार दुबे ने कहा कि पुलिस और जनता के बीच आपसी सहमति होनी जरूरी है। महिला सशक्तिकरण की रैली मिर्जापुर से निकल नगर तक जाएगी। ये रैली रास्ते में महिलाओं को अपने सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करते हुए, महिलाओं को स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए जाएगा। और हम हड़िया में रैली का स्वागत कर रहे हैं, अब उसको यहाँ से आगे के लिए हम रवाना। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? महिलाओं को अपने हित के लिए जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली जा रही है। खबर संभल से है, जहां जिले के चंदौसी शहर से यहां के रहने वाले असद खान ने मच्छरों से परेशान होकर उत्तर प्रदेश पुलिस से मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मॉस्किटो क्वाइल लेकर युवक के पास पहुंची है। जिसके बाद यूपी पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा, हमारे पास माफियाओं से लेकर मच्छरों तक का निदान है। दरअसल सर, मैंने 3 दिन पहले की बात है, मैं नर्सिंग होम में था। एक तो मेरी वाइफ का उस दिन ऑपरेशन हुआ था, प्रेगनेंसी थी उनकी, तो जिसके कारण रात को मच्छर काट रहे थे हॉस्पिटल के अंदर, और टाइम था 2:45 रात का, जिस समय आसपास कोई नहीं था। मुझे अर्जेंट, और दरअसल समस्या ये थी कि उधर मच्छर बहुत काट रहे थे, तो मैंने यूपी पुलिस के हेडक्वार्टर पर जो यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV।